आ गए हैं। इसी के लगते आप ये बैक साइड जो तालाब देख रहे हैं, यही है जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, आज के समय में वन विभाग के अंडर में आता है। 10 पुत्रों को भी मार डाला था। महाभारत युद्ध के अवसर पर एक बार जब भृगुसुरवा सात्यकी को मारने वाले थे, तभी अर्जुन ने बाण वेदगर उसकी दाई भुजा काट डाली थी। तो यह फारसी में यहाँ पर कुछ लिखा गया है, ऐसा पूछने पर पता चला है कि किसी समय में खुदाई के दौरान इससे अलग पत्थर मिला था जो अब खत्म हो चुका है, उसको देखते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में जो मंदिर आते हैं, उन्हीं में से एक मंदिर भूरीसर्वेश्वर महादेव मंदिर पर हम आज पहुंचे हैं। जो ये मंदिर है कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही एक गांव पड़ता है बोरसैदान, ये वहाँ पर ये मंदिर बनाया गया था किसी समय में। आज हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि क्यों इस मंदिर का नाम है जो भूरीसर्वेश्वर महादेव मंदिर पड़ा था। आप ये जो हम अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मंदिर है जो कुरुक्षेत्र से डांड रोड पर गांव बोरसैदान के अंदर पड़ता है, ये इसका मेन गेट है। हम इसके अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं इसके इतिहास के बारे में। ये अन्य मंदिरों का मेन गेट होता है, ये उन्हीं मंदिरों की तरह ही इसका मेन गेट बनाया गया है। अंदर एंट्री करते ही आपको इस प्रकार का व्यू देखने को मिलेगा। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार चारों तरफ का व्यू दिखा दें, उसके बाद हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बिल्कुल करीब से बताएंगे कि क्यों है इसको भूरीसर्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से इसको जाना जाता। अब हम बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, क्यों इस मंदिर को भूरीसुरवा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भूरीसुरवा महान योद्धा जो पांडव कौरवों की तरफ से लड़ने वाले थे, वो एक महान योद्धा हुए हैं, उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम भूरीसुरवा महादेव मंदिर पड़ा है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है जो महाभारत युद्ध के प्रमुख कौरव पक्षीय योद्धा भूरीसुरवा पर पड़ा है। भूरीसुरवा कौरव पक्ष के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। भूरीसुरवा असाधारण वीरता एवं साहस के लिए विख्यात थे, मतलब वो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कई बार पांडव सेनाओं को हराया था। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान सात्यकी के 10 पुत्रों को भी मार डाला था। महाभारत युद्ध के अवसर पर एक बार जब भूरीसुरवा सात्यकी को मारने वाले थे, तभी अर्जुन ने बाण वेदगर उसकी दाई भुजा काट डाली थी। भुजाहीन मतलब भुजा के बिना भूरीसुरवा जब ध्यान में बैठे हुए थे, तो तभी सात्यकी ने मौका पाकर यानी अवसर पाकर भूरीसुरवा को मार दिया था। भूरीसुरवा भगवान शिव के परम भक्त थे, मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा भगवान शिव में ही विलीन हो गई थी, इसलिए इस तीर्थ को भूरीसुरवेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर के लगते ही मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया है जो हरियाणा वन विभाग के अंदर साधु महात्माएं हैं उनकी यहाँ पर आज के समय में ये समाधियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। चलिए तो अब आपको इसका घाट दिखा देते हैं और साथ ही यहाँ पर जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया है के बैक साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसका इतिहास है जो बिल्कुल साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो आसपास के कुरुक्षेत्र के आसपास के जो तीर्थ 48 कोस की परिधि में आते हैं, ये यहाँ पर उनकी तस्वीर भी लगाई गई, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। आप ये देख सकते हैं दोस्तों भूरीसुरवा महादेव मंदिर का ये यहाँ पर तीर्थ बनाया गया है। इसी के लगते आप ये बैक साइड जो तालाब देख रहे हैं, यही है जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, आज के समय में वन विभाग के अंडर में आता है। हालांकि आज इस समय जो यहाँ पर मगरमच्छ बाहर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जो धूप के समय में ये अपने सिर को सेकने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन अब जो शाम का समय हो चुका है जो मगरमच्छ है जो पानी के अंदर जा चुके हैं। दोस्तों आप ये जो बीच में रास्ता देख रहे हैं, यहीं पर आपको मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। चलिए तो अब आपको दिखा देते हैं मैन शिवलिंग यहाँ पर, यह आप ही देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर बनाया जा रहा है। आज के समय में यहाँ पर जो निर्माण कार्य है चला हुआ है। यहाँ पर आपको महादेव मंदिर देखने को मिलेगा, यहीं पर महादेव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है। हम आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये देख सकते हैं ये मंदिर है जो काफ़ी पुराना हुआ करता था,
आप ये ऊपर से इसका गुंबद देख सकते हैं, बिल्कुल लाल लाल लाखों ईंटें उस समय के अंदर हुआ करती थी, उन्हीं ईंटों से ये मंदिर उस समय के अंदर बनाया गया था। हालांकि जो आप ये टाइल वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं ये आज के समय में यहाँ पर लगाई गई है, अब भी ये जो निर्माण कार्य यहाँ पर चला हुआ है। यहाँ पर कुछ और तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई है, हनुमान जी का भी यहाँ पर मतलब एक मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर हमने एक जो पत्थर देखने को मिला है, जो या शायद उर्दू या फारसी में यहाँ पर कुछ लिखा गया है, ऐसा पूछने पर पता चला है कि किसी समय में खुदाई के दौरान इससे अलग पत्थर मिला था जो अब ख़त्म हो चुका है। उसको देखते हुए जो लेख उस पर लिखा गया था उसी भाषा के अंदर उन्हीं शब्दों में ये लेख यहाँ पर लिख दिया गया है। हालांकि हम तो इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर पहचान सकते तो क्या लिखा गया आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। दोस्तों आपने देखा ये भूरी सर्वेश्वर महादेव मंदिर को, अगर आप ऐसी ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।